हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भाग करना सीखेंगे और इतना आसान तरीका बताएंगे कि आपको ये बुढ़ापा तक याद रहेगा। तो चलिए भाई, आप लोग अभी 8 से 9th में आए होंगे तो सबसे पहले है रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग। तो ये कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले है रूट का जोड़, ये है रूट का घटाव, रूट का गुणा, रूट का भाग। ठीक है, तो रूट का जोड़ और घटाव के लिए एक नियम है। नियम क्या है कि रूट के अंदर की संख्या समान होनी चाहिए। फिर से बोलिए एक बार, रूट के अंदर की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। समझे? रूट के अंदर की, रूट की संख्या को जोड़ना है या घटाना है तो रूट के अंदर की संख्या समान होनी चाहिए। फिर से, हमने ये बार 5 बार रिपीट किया है, आप लोग बोलिए कि रूट के अंदर की संख्या समान होनी चाहिए तभी ये जुटेगा और घटेगा। गुणा में और भाग में ये नियम नहीं है, जोड़ घटाव में ये नियम है कि रूट के अंदर अगर संख्या समान है तो जुटेगा और घटेगा, अगर समान नहीं है तो नहीं जुटेगा न घटेगा। तो चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, ये रूट के अंदर कितना है? 3 है। ये रूट के अंदर कितना है? 3 है। मतलब रूट के अंदर समान संख्या है ना। रूट के बाहर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, रूट के अंदर एक रंग संख्या होनी चाहिए। क्या? रूट के बाहर कुछ भी है उससे मतलब रूट के अंदर। देखिए, ये रूट हुआ, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 3 है तो रूट के अंदर समान संख्या है। अब क्या करना है? जोड़ का चिन्ह जोड़ना है। और रूट तीन जोड़ेंगे तो कहिएगा सर रूट 6, नहीं वैसे नहीं जोड़ाता है ये। सुनिए ध्यान से, ये रूट 3 का गो है एगो, ये रूट 3 का गो है एगो, तो एक और एक 2 रूट 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 रूट 3। रूट 3 जैसे एक्स और एक्स जोड़ते हैं तो 2x होता है ना, तो रूट के बाहर की संख्या को जोड़ेंगे, रूट वाला सेव रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये रूट के अंदर कितना है? 5। इसमें भी रूट के अंदर कितना है? 5। देख के घबराइएगा नहीं, ध्यान से देखिए, धीरे धीरे बता रहे हैं। ये रूट के अंदर 5 है, ये भी रूट के अंदर 5 है। मतलब हमने क्या बोला कि रूट के अंदर अगर एक रंग संख्या रहेगा तब ये जुटेगा और घटेगा। यहां तो जोड़ने वाली बात है तो रूट के अंदर एक रंग है। हाँ, रूट के अंदर इसमें भी 5 है, रूट के अंदर इसमें भी 5 है तो हम जोड़ सकते हैं इसको। अब कैसे जोड़ेंगे? तो ये है रूट 5, ये है 2 रूट 5। मतलब क्या? ये है 1 रूट 5, नहीं है ना, तो ये 1 रूट 5, ये 2 रूट 5, तो 1 और 2 का गो 3 रूट 5। क्या हो जाएगा? 3 रूट 5। समझ लीजिए कि ये 1 बिस्कुट है, ये क्या वो बिस्कुट है? ये है बिस्कुट, तो क्या वो 2 बिस्कुट हो गया, तो बिस्कुट क्या हो? 3 बिस्कुट हो गया। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? तो इसी प्रकार माना, जैसे ये रूट 3 है तो मान लेते हैं रूट 3 को आलू मान लेते हैं, तो ये 1 आलू, ये क्या आलू? 1 आलू, तो 1 2 आलू हो जाएगा, 2 2। अब बात को समझ, अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से इसको देखिए, ये है 2 रूट 7 और यह 3 रूट 7। कितना है? यह है आपका 2 रूट 7, यह है आपका 3 रूट 7। ठीक है, रूट के अंदर एक रंग संख्या है, रूट के अंदर समान संख्या है तो जोड़ेंगे, समान संख्या नहीं होगा तो नहीं जोड़ेंगे। रूट के अंदर 7 है, इसमें भी रूट के अंदर 7 है, मतलब इसको हम जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं ना, ना? तो ये रूट 7 का वो है 2 गो, ये रूट 7 का वो है 3 गो। ये रूट 7 है 2 बार ना, 2 गो, और ये रूट 7 का वो है 3 गो, तो 2 गो और 3 गो का गो 5 गो रूट 7 हो जाएगा। क्या रूट 7 हो जाएगा? 5 रूट 7। जो रूट 7 14 कर दीजिएगा, नहीं वो गड़बड़ा जाएगा, समझे? रूट 7 रह जाएगा, सिर्फ आगे वाला संख्या को जोड़ देगा। अब देखिए, ये है 3 रूट 2, ये है 2 रूट 3। रूट के अंदर एक रंग संख्या है क्या? नहीं है। रूट में ये 2 है, ये रूट में ये 3 है, रूट में 2 रूट में 3 नहीं जुटेगा, ये नहीं जुटेगा। इसका आंसर यही रह जाएगा, इसका आंसर यही रह जाएगा, 3 रूट 2 जोड़ 2 रूट 3, ये नहीं जुटेगा। रूट के जोड़ने घटाने के लिए फिर से बोल रहे हैं कि रूट के अंदर एक रंग संख्या होनी चाहिए तभी हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, समान संख्या होनी चाहिए। अब देखिए, यह है 3 रूट 5, यह है 5 रूट 7, यह है 3 रूट 5, यह है 5 रूट 7। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ना है तो भाई रूट के अंदर संख्या को देखिए तो रूट के अंदर 5 है, ये रूट के अंदर 7 है, क्या ये जुटेगा? नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि रूट के अंदर समान संख्या नहीं है। सर यहाँ 5 है, यहाँ ना 5। अरे बकलोल, हम क्या बताए थे? रूट के अंदर एक रंग संख्या होनी चाहिए। तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा, सेम टू सेम रहेगा इतना ही।
ठीक है, हाँ ई नहीं जुटेगा। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब घटाव आ गया तो घटाव में भी ये नियम लगाना है, घटाव में भी ये नियम लगाना है कि रूट के अंदर समान संख्या होनी चाहिए तभी ये घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा। घटाव में क्या है कि दो रूट दो माइनस तीन रूट दो, घटाव में भी क्या करेंगे हम लोग, वो नियम देखेंगे कि रूट के अंदर एक रंग संख्या होना चाहिए, रूट के अंदर समान संख्या होना चाहिए। तो आइए देखिए, ये है दो रूट दो, ये है तीन रूट दो, तो दो रूट दो में से क्या करना है, तीन रूट दो को घटाना है, ठीक है। अब देखिए रूट के अंदर समान संख्या है तो हाँ है, रूट के अंदर यहां भी दो है, रूट के अंदर यहां भी दो है, मतलब ये समान संख्या है, हम घटा सकते हैं। ये रूट दो का वो है दो गो, ये रूट दो का वो है तीन गो, तो हम क्या करेंगे, ये दो में से तीन घटाएंगे, दो में से तीन, जैसे यहाँ पे क्या करते, दो में तीन जोड़ते थे, तीन में दो जोड़ते थे, उसी प्रकार ना यहाँ पर एक में दो जोड़ते थे, तो बाहर की संख्या को जोड़ना होता, तो दो में से तीन घटा देंगे तो माइनस एक होगा, तो माइनस का एक रूट में क्या है दो, तो एक नहीं लिखते हैं इसमें, क्या नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक छिपा हुआ रहता है, तो माइनस में एगो रूट दो हो गया, क्या गो रूट दो गया, एगो, दो गो रूट दो में से तीन गो रूट दो घटा देंगे, दो गो आम में से तीन गो आम, मतलब तीन गो आम में से दो गो आम घट गया तो एगो आम बचा ना, तो वही एगो रूट दो हो गया, बात समझना है। अभी देखिए यह पांच रूट पांच में से घटाना है तीन रूट पांच, पांच रूट पांच में से घटाना है, घटाने के लिए क्या करते हैं, रूट के अंदर एक रंग संख्या होनी चाहिए, देखते हैं तो रूट के अंदर एक रंग संख्या है कि नहीं है, रूट पांच, रूट पांच इसमें भी है ना, तो हम घटा सकते हैं आराम से। अच्छा ई रूट पांच का वो पांच हो, ई रूट पांच का वो तीन हो, तो इस पांच में से इस तीन को घटा देंगे, ये ना करेंगे, तो पांच में से तीन क्या देखा बचेगा दो, आई रूट पांच है तो रूट पांच हो जाएगा, बात समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। आइए देखिए, अब यह है तीन रूट सात, ये है दो रूट तीन, यह है तीन रूट सात, यह है दो रूट तीन, अब बताइए रूट के अंदर हमको क्या घटाने के लिए चेक करना है कि रूट के अंदर एक रंग संख्या है कि नहीं है, रूट के अंदर समान संख्या है कि नहीं है, तो रूट के अंदर यहाँ सात है, यहाँ तीन है, एक समान संख्या है नहीं है, तो ये नहीं घटेगा, ये इतना ही रह जाएगा, बराबर देकर के ये सेम चीज लिख दीजिएगा, ठीक है। अब सुनिए, ये है आपका दो रूट दो, ये आपका पांच रूट दो, सब रूट के अंदर समान संख्या है क्या, चेक कीजिए है, रूट के अंदर समान संख्या है क्या, रूट के अंदर दो है, रूट के अंदर दो है ना। अब सुनिए ध्यान से, अब हमको क्या करना है, तो दो में से पांच घटाना है तो कितना होगा, माइनस तीन, क्या होगा माइनस तीन, और रूट दो है तो रूट दो हो जाएगा, माइनस तीन रूट दो, बस समझ आया। अब देखिए तीन रूट दो में से घटाना है पांच रूट सात, तीन रूट दो में से घटाना है पांच रूट सात, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि रूट के अंदर समान, ये जोड़ और घटाव में ये नियम है कि रूट के अंदर अगर एक रंग संख्या है तभी ये घटेगा तभी ये जुटेगा। अब देखिए तो रूट के अंदर यहाँ दो है और रूट के अंदर यहाँ सात है, नहीं घटेगा, ये घटेगा नहीं, इसको बराबर दे करके सेम टू सेम उतार दीजिएगा। और रूट का गुना आया, रूट का गुना में आपको नहीं चेक करना है कि रूट के अंदर एक रंग है कि नहीं, लड़की दा देखो रूट के गुना में और रूट के भाग में ये नहीं चेक करना है कि रूट के अंदर एक रंग है कि नहीं है, वो कोई भी चलेगा। अब आइए रूट तीन को रूट तीन से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो गुना तबे करता है, तीन तिया नौ, तो रूट नौ लिखेंगे। अब सुनिए आप लोग पढ़े हैं वर्ग और वर्गमूल, तो नौ का वर्गमूल होता है तीन, सोलह का वर्गमूल चार, पच्चीस का वर्गमूल पांच होता है, उनचास का वर्गमूल सात, 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, तो उसी प्रकार 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो कहिएगा सर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट तीन को रूट तीन से गुना करेंगे तो 3, हाँ तो रूट पांच को रूट पांच से गुना करेंगे तो डायरेक्ट पांच लिख दीजिए, ठीक है, आप एकदम पहचान जाइएगा कि रूट के अंदर एक रंग संख्या है, रूट पांच को रूट पांच से गुना करेंगे पांच हो जाएगा, ये जोड़ घटाव नहीं है, जोड़ घटाव नियम को तनखा रोक दीजिए, रोक दीजिए, ये गुना है, रूट के अंदर पांच और रूट के अंदर पांच, रूट पांच रूट पांच गुना करेंगे तो पचा पच्चीस, तो रूट में ना पच्चीस रहेगा, तो रूट में अगर पच्चीस है तो रूट में पच्चीस का वर्गमूल कितना होता है पांच। अब देखिए रूट में क्या है दो और रूट में तीन, तो दो तिया छ, बहुत आसान है ना, रूट का गुना, रूट में दो है, रूट में तीन है, तो दो तिया छ। अब देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ आ गया दो रूट दो और यहाँ आ गया रूट तीन, अब इसको कैसे गुना करेंगे सर, सब तरीका का सवाल है, ध्यान दीजिएगा कैसे गुना करेंगे सर,
तो कुछ नहीं, ध्यान दीजिए, रूट के बाहर वाला को रूट के बाहर वाला से गुना करेंगे, रूट के अंदर वाला को रूट के अंदर वाला से गुना करेंगे। फिर सुनिए, हमने क्या बोला कि रूट के जो बाहर रहेगा उसको रूट के बाहर वाला से गुना करेंगे, रूट के अंदर रहेगा उसको रूट के अंदर वाला से गुना करेंगे। अब सुनिए, तो सर इसमें रूट के बाहर तो दो है, इसमें रूट के बाहर ना कुछ है, तो ना कुछ हो तो बताए थे ना कि एक होगा, क्या होगा, एक होगा। तो ये दो को एक से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा दो, और रूट दो को रूट तीन से गुना, रूट के अंदर वाला को रूट के अंदर वाला से, तो रूट के अंदर दो है, ये रूट के अंदर तीन है, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा छ, तो दो रूट छ हो गया। अब देखिए इसमें बात, देखिए पांच रूट तीन और तीन रूट दो गुने ना करना है, पांच रूट तीन को तीन रूट दो से, तो बाहर वाला को बाहर से गुना कर दीजिए, रूट के बाहर है पांच और रूट के बाहर है तीन, तो पांच तियाई और रूट के अंदर वाला को रूट के अंदर वाला से, तो रूट के अंदर तीन है रूट के अंदर दो है, तो रूट तीन दूना कितना हो जाएगा छ। बात समझ में आया क्या? अब इसको देखिए, ये रूट दो है, गुना करना है तीन रूट दो को, दो रूट दो को गुना करना है तीन रूट दो से। अब सुनिए ध्यान दीजिए, तो बाहर वाला को बाहर से गुना करेंगे और रूट के अंदर वाला को रूट के अंदर वाला से गुना करेंगे। ए लड़की रे, तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, तुमको न उसको पीछे वाला खड़ा, उसको खड़े होना ही है, लिखा हुआ है खड़ा। तो ये दो को तीन से करेंगे कितना हो जाएगा, अरे बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, तो बाहर वाला गुना करेंगे दो को तीन से छह हो गया। अब अंदर को अंदर से, रूट के अंदर वाला को रूट के अंदर वाला से गुना करेंगे, तो रूट दो को रूट दो से गुना करेंगे तो रूट चार हो जाएगा। सर आपने तो बताया था रूट के अंदर अगर गुना करेंगे रूट पांच को रूट पांच से पांच होगा, रूट तीन को रूट तीन से तीन होगा, तो सर रूट दो को रूट दो से गुना करेंगे तो दो हो जाएगा ना, तो रूट चार का वर्गमूल ऐसे भी दो हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ गुना में दो लिख देंगे तो छह दूना बारह। तो इसी प्रकार एगो सवाल ये रहा। अब सुनिए, बाहर वाला को बाहर से गुना कर दीजिए तो तीन को पांच से करेंगे हो जाएगा पंद्रह। अब देखिए रूट के अंदर वाला को रूट के अंदर वाला से, तो रूट पांच है रूट में पांच है, तो रूट पांच को रूट पांच से गुना करेंगे तो पांच क्या होगा पांच, कहिएगा सर रूट पच्चीस लिख दीजिए ना, तो आपकी मर्जी, अगर रूट पच्चीस लिखते हैं तो इतना पर नहीं छोड़ सकते, गलत हो जाएगा, आपको एक स्टेप और रहना पड़ेगा, ये पंद्रह का पंद्रह गुना में रूट पच्चीस का वर्गमूल पांच, तो पंद्रह पचे पचहत्तर ये हो गया। अब आपको सीधे मालूम है कि रूट पांच को रूट पांच से गुना करेंगे पांच होगा, तो काहे रूट पच्चीस लिखिएगा, बात समझे। अब आ गया भाग, क्या आ गया भाग, तो देखिए तो भाग देना है, तो वही बात है कि रूट पंद्रह है रूट तीन है, तीन से भाग देना है, तो रूट पंद्रह में भाग देंगे किससे, रूट तीन से, तो ये रूट को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, अब पंद्रह वाटा हो गया तीन, तो कितना हो जाएगा रूट में ये रूट का रूट रहेगा और तीन पचे पंद्रह, तो तीन पचे पंद्रह तो रूट में हो गया पांच। बात समझ में आया, सीख गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, बाहर वाला को बाहर से भाग देंगे, जैसे गुना कर रहे थे ना, अंदर वाला को अंदर से गुना कर रहे थे, तो रूट के बाहर तीन है रूट के बाहर पंद्रह है, तो रूट के बाहर वाला को बाहर वाला से भाग देंगे और रूट के अंदर वाला से रूट के अंदर वाला को भाग देंगे। अब सुनिए, बाहर तीन है बाहर पंद्रह है, तो तीन से भाग दीजिए पंद्रह में, तो तीन पचे पंद्रह और रूट के अंदर कितना है दो और रूट के अंदर छ, तो रूट वाला को रूट वाला से भाग देंगे, तो रूट दो से रूट छ में भाग दीजिए, तो कई बार में दो तियाई दो से भाग देंगे छ में, तो कई बार में तीन बार में, तो ये हो जाएगा तीन। बात समझ में आया, तो इसी प्रकार आपको इसको ही भाग देना है और इसका आंसर क्या करना है आप लोगों को कमेंट करना है, इसका आंसर एकदम इजी है, ये भाग है, इसका आंसर आप लोग क्या क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको रूट का जोड़ घटाव गुना भाग समझ में आ गया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं इसके में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।